الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. I am one of the soldiers of Islam on the battlefield. I have always got to face problems. I have always got to face those mighty anti-Islamic forces which are arrayed against Islam all over the world. And then I have got to face the attitude of the Muslims themselves in connection with solving these problems. The apathy of the Muslims and the ignorance of the Muslims, the lack of understanding of these problems by the Muslims, and of the strifes and quarrels and bickerings and fights that go on among them on trivial issues, while the enemy is blasting their fortress after fortress, while the enemy is taking away their best assets and the very flower of the nation is being kidnapped, that is the Muslim youth. Islam has a unique role to play because it is definitely, directly and vehemently committed to the salvation of humanity in both the worlds, in present one as well as the next. Spiritual, aesthetical, moral, intellectual and physical. All in all, Islam stands in history as eternal guidance, the guidance for yesterday, the guidance for today, and the guidance for tomorrow. The present may be gloomy because of the wrongs committed by the Muslims themselves during the different epochs of their history, including the present. But the future belongs to Islam and to Islam alone. Hazrat Hafiz Dr. Muhammad Fazlur Rahman Al-Ansari Al-Qadiri Rahmatullah Alayh ke urs ki is taqreeb mein hazir hone ki taufeeq ata farmayi aur beshumar durood o salam Sayyidul Mursaleen Khatamun Nabiyyin Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sallam par Allah Rabbul Izzat ki bargah mein hum dua go hain Parwardigar e Alam Jamia Alimia Islamia ko इसी तरह ता सुबह क़यामत आबाद रखे। हज़रत क़िबला आलम डॉक्टर फ़ज़लुर रहमान अल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ को पूरी दुनिया में आम फरमाए और जो ज़िम्मेदारी और फरीज़ा अलीमिया से एक मिशन और पैशन की सूरत में हमें अता हुआ है, उस फ़िक्र और पैगाम को पूरी दुनिया में हमें आम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि सदर अल वफ़ाक़ुल आलमी लिद्दावत अल इस्लामिया जानशीन हज़रत क़िबला डॉक्टर फ़ज़लुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे रूहानी मुरब्बी, जिनसे हम शब रोज़ बिलखसूस हज़रत साहब की फ़िक्र और रूहानी उलूम के तनाज़ुर में इक्तिसाब करते हैं, मेरी मुराद नहायत वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुस्तफ़ा फाजल अंसारी ज़ीदा मजदहू हमारी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा हैं और हम अपनी आँखों को आपकी ज़ियारत से ठंडक अता कर रहे हैं। कहा जाता है कि मन मुनिया अन नज़री यतसल्ला बिल अथर, अगर आपकी निगाहें किसी की ज़ियारत से महरूम रहें तो उस वजूद के आसार की ज़ियारत दिल को तसल्ली अता करती है। तो अगर हम जनाब मोहतरम मुस्तफ़ा फाजल अंसारी ज़ीदा मजदहू की ज़ियारत कर रहे हैं तो यकीनन ये हमारे दिल को इत्मीनान और तसल्ली बख्शने के लिए किफ़ायत करता है। मैं कोशिश करूंगा कि गुज़िश्ता साल उर्स की तकरीब में
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में मैंने कोशिश की थी कि कुरानिक फाउंडेशन से डॉक्टर साहब ने जिस अंदाज से गैर मुस्लिमों की क्लासिफिकेशन करते हुए बहुत खूबसूरती के साथ उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि किस सतह पर किस तरह के गैर मुस्लिम से किस नौइयत के ताल्लुकात और रवाबित को कायम करना है। और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जामिया अलीमिया इस्लामिया के मुदीर उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा सरफराज साबरी दामत बरकातुहुम आलिया को, जिनकी शबरोज़ मेहनत का नतीजा यह है कि आज बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स यहाँ उर्स के मौके पर हाजिर हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आपने अलीमिया के ग्रेजुएट्स को ऑनलाइन इस प्रोग्राम में शामिल किया, और इस अमल पर मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरानिक फाउंडेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम सोसाइटी का इंट्रोडक्टरी चैप्टर वो नहायत ही अहमियत का हामिल है। हाल ही में इमरान नज़र हुसैन साहब की मेथडोलॉजी फॉर स्टडी ऑफ द कुरान के नाम से किताब शाया हुई है, और इसमें पूरा एक चैप्टर अपेंडिक्स फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन टू द रिलीजियस थॉट ऑफ मौलाना डॉक्टर मोहम्मद फजलुर रहमान अंसारी के नाम से आपने एक बाब इस किताब में रकम किया है। और ये दरअसल उस तसलसल का नाम है जो हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के साथ इमरान नज़र हुसैन साहब ने डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के थियोलॉजिकल थॉट्स को बिलखसूस कुरान मजीद के तनाजुर में आपने इस चैप्टर में रकम किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारे ग्रेजुएट्स और तलबा को ये किताब और बिलखसूस इसका लास्ट चैप्टर ज़रूर देखना चाहिए। द कुरानिक फाउंडेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, इस किताब के लिखने का बुनियादी मकसद ये था कि ये मुमकिन है कि गैर इस्लामी रियासत में मुस्लिम मुआशरत का वजूद हो। उमूमी तौर पर मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमें जमातें वो रियासत पर कब्ज़ा करते हुए चाहती हैं कि मुकम्मल तौर पर ममालिक को डी इस्टेबलाइज किया जाए और मुल्कों के अमन व अमान को तबाह बर्बाद किया जाए। और यकीनन ऐसे लोग दुरुस्त रस्ते से हटे हुए हैं, क्योंकि इस्लाम का मोहब्बत और अमन का पैगाम जो ज़मीन से फसाद को ख़त्म करने के लिए आया है, फितना और फसाद की सरकोबी के लिए है, इकामत दीन के लिए है, यह आफाकी और अबदी पैगाम अपने अंदर मोहब्बत और अमन का वो आफाकी पैगाम रखता है कि जो दिलों को सिर्फ कायल नहीं करता बल्कि अपनी तालीम की तरफ माइल कर लेता है। डॉक्टर साहब ने यह महसूस किया कि जब वो पूरी दुनिया का तबलीगी दौरा फरमाते हैं तो ये मुलाहिजा किया कि गैर मुस्लिम रियासतों में इस्लामी मुआशरत दम तोड़ रही है। और आज भी अगर आप मग़रबी ममालिक की तरफ नज़र दौड़ाएं तो तमाम मग़रबी ममालिक का सबसे बड़ा मसला यह है कि बतदरीज उनका ख़ानदानी नज़म तबाही बर्बादी से दोचार है, यहाँ तक कि कई ममालिक का टोटल फर्टिलिटी रेट 0.9 तक चला गया है। तवक्को यह है कि आइंदा आने वाले बरसों में उनकी नस्लें मुकम्मल तौर पर रुए ज़मीन से मिटा दी जाएंगी। ऐसे वक्त में कुरानिक फाउंडेशंस कुरानी इमरानियात के पेश नज़र डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान के कुछ उसूलों के पेश नज़र एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरे का एक ऐसा स्ट्रक्चर पेश फरमाते हैं कि अगर कुरान के उन आफाकी और अबदी उसूलों के पेश नज़र दुनिया के किसी भी खित्ते में इस्लामी मुआशरत को कायम किया जाए या पहले से कायम शुदा मुस्लिम सोसाइटीज़ को इस्लामी मुआशरत के पैगाम के साथ जारी रखा जाए,
तो वो अहले इस्लाम के लिए मुमकिन हो सके। डॉक्टर साहब का इरादा ये था कि इस किताब का एक दूसरा हिस्सा हदीस लिटरेचर के तनाजुर में तहरीर फरमाएंगे, जिसमें इस्लामी मुआशरत की बुनियाद अहादीस तय्यबा में किस तरह से बयान हुई है। आपका इरादा ये था कि अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र इस पूरे नज़्म मुआशरत को बयान करें, लेकिन ज़िंदगी ने इतनी मोहलत न दी कि वो इस काम को मुकम्मल करते। मैं उम्मीद करता हूँ कि अलीमिया के ही दानिश्वर और मुफक्किरों में से, इन अहले इल्म में से जो इस वक्त अलीमिया से सनद फराग पाने के बाद मैदान अमल में आगे जा रहे हैं, वो आइंदा आने वाले तहकीकी प्रोजेक्ट्स में इस बात को ज़रूर पेश नज़र रखेंगे कि सही अहादीस की रोशनी में मुस्लिम मुआशरत, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में कायम की जाए, किस अंदाज से उसे कायम रखा जा सकता है और परवान चढ़ाया जा सकता है, इस पर अमलन काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर फजल रहमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने इंट्रोडक्टरी ऑब्जर्वेशंस में, और ये बात जहां मैं उमूमी तौर पर तमाम सामईन की खिदमत में पेश कर रहा हूं, मेरा मुखातब बिलखसूस ये अहबाब हैं जो सनद फराग पाने वाले हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने बिल आखिर सिर्फ क़ुरान का ही इंतखाब क्यों किया है, क्या वजह पेश आई कि आप पूरी दुनिया में मुस्लिम मुआशरत की बुनियादें क़ुरान के औराक़ में तलाश कर रहे हैं। फरमाते हैं कि फर्स्टली इट अलोन एंजॉयज द स्टेटस ऑफ बीइंग द स्क्रिप्चर ऑफ इस्लाम। फरमाते हैं कि दीन इस्लाम का वाहिद अगर कोई आफाकी इल्हामी पैगाम है तो वो क़ुरान मजीद की सूरत में उम्मत मुस्लिमा को अता किया गया है। फिर आप फरमाते हैं कि एवरी वर्ड ऑफ इट्स टेक्स्ट इज एब्सोल्युटली ऑथेंटिक एज हैविंग बीन प्रिजर्व टू द वेरी लेटर इन द वेरी वर्ड्स इन विच इट वॉज डिलीवर्ड बाय द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमाते हैं कि इसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ उसी तरह से ऑथेंटिक और महफूज है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये किताब अता फरमाई थी। मेरे सामने इस वक्त मेरे एक मज़मून का एक हवाला यहाँ सामने मौजूद है कि 21 जुलाई 2015 ब्रिटेन की बर्मिंगम यूनिवर्सिटी ने एक ऐलान किया, और ऐलान ये किया कि उनकी लाइब्रेरी में मशरिक़ वस्ता की कुतुब के ख़ज़ाने से क़ुरान मजीद का एक कदीम नुस्खा उनके हाथ आया है और उसमें क़ुरान मजीद के कदीम तरीन अज्ज़ा मौजूद हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी के मख्तूतात के माहिर डॉक्टर मोहम्मद ईसा वैली को बुलाया गया और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी रेडियो कार्बन एक्सेलरेटर यूनिट की रेडियो कार्बन डेटिंग के ज़रिए से ये बात मालूम हुई कि ये नुस्खा 2015 में, ये नुस्खा आज से तकरीबन 1370 साल पुराना है, जिसे तकरीबन सन 568 ईस्वी से 645 ईस्वी के दरमियान किसी अहद में लिखा गया, और ये नुस्खा भेड़ या बकरी की खाल पर लिखा गया था, और इससे ये बात यकीन तौर पर मालूम हुई कि जिस शख्स ने भी ये नुस्खा लिखा है उसने यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत की है। लंदन के एक बहुत बड़े हाफिज़ कुरान को बुलाया गया, खत हिजाजी में वो टेक्स्ट लिखा हुआ था, उनसे कहा गया कि ये एक कदीम नुस्खा दरियाफ्त हुआ है, क्या आप इसको पढ़कर बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है। एंशियंट सिविलाइजेशंस में डेड लैंग्वेजेस के बड़े बड़े माहिरीन होते हैं, और वो भी पूरे स्क्रिप्ट को मुकम्मल तौर पर हल करना और उसका दावा करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त जब हाफिज़ कुरान को बुलाया गया तो उन्होंने पहली नज़र में ही देखकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू की, वो सूरह ताहा का नुस्खा था, और उसमें एक लफ्ज़ की भी कोई ऐसी गलती मौजूद न थी
कि जिसको इख्तलाफी नोट के तौर पर नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान मजीद में कॉन्ट्रडिक्शन या तजाद के तौर पर पेश किया जा सके। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि थर्डली इट्स अथॉरिटी एज द बेसिक सोर्स बुक ऑफ इस्लाम हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स इन ऑल एजेस। आप उनकी मेथडोलॉजी देखें, वो इस किताब में रिवायात पर मुस्लिम मुआशरत की बुनियाद नहीं रख रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड दो बड़े सेक्शंस में तकसीम है, और जब हदीस लिटरेचर की बात आती है तो बुनियादी उसूलों में हदीस लिटरेचर में बहुत से मकामात पर हमारे यहाँ इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुरान मजीद को जब एक सोर्स बुक के तौर पर मुस्लिम मुआशरत की बुनियादों के उसूले के उसूलों के तौर पर पेश फरमाया, तो आप ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसी किताब है जिसे दुनिया के किसी भी जुग्राफिया में, किसी भी खित्ते में, किसी भी जमाने में, किसी भी रंग नस्ल जबान फिरके और गिरोहों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए किसी भी मुस्लिम मुआशरत में नाफिज किया जा सकता है। किसी भी मुआशरे में यह किताब काबिल निफाज है। और फिर फरमाते हैं कि फोर्थली इट इज द बुक विच शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ स्ट्रगल फॉर द रिफॉर्म ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इवन एज द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमांडेड अस। अब आयत क्या नकल कर रहे हैं, व नज़लना अलैकल किताबा तिबियानन लिकुल्ली शय। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर कुरान उतारा कि यह हर चीज का रोशन बयान है, एक्सपोजिशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का मुकम्मल रोशन बयान है। वह हुदा हिदायत है, वह रहमा अल्लाह की रहमत है, वह बुशरा लिल मुस्लिमीन और इसमें अहले इस्लाम के लिए अल्लाह ने बशारत रखी है। अब आप देखिए कि कुरान मजीद में, यहाँ मैं बिलखसूस अपने ग्रेजुएट्स की तवज्जो चाहता हूँ, कोशिश कीजिए कि जब कभी हम लोगों को दीन की तरफ दावत दें या अपनी फ़िक्र की बुनियाद किसी नज़रिए पर रखें तो कुरानी इस्तलाहात को इस्तेमाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब की किताब में आप देखेंगे कि जब वो कोई नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं तो वो नुक्ता नज़र किसी कमज़ोर बुनियाद पर कायम नहीं किया गया, बल्कि वो कुरान मजीद के बुनियादी उसूलों के पेश नज़र कायम किया गया है। तज़कीर बिल कुरान, जिहाद बिल कुरान, इंज़ार, तबशीर, दावत इलल्लाह, इब्लाग और तबलीग, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर और मुजादला। अभी अल्लामा मोइनुद्दीन उमर जीदा मजदूहू फरमा रहे थे कि इस वक्त जो दुनिया में जो मॉडर्न डे यूथ है उसे मुसलमानों के डिफरेंट रिलीजियस सेक्शंस के रिलीजियस बिकरिंग से कोई दिलचस्पी नहीं। बाज़ औक़ात ये फ़िरका वाराना इख्तलाफात उन्हें मज़ीद दीन से दूर करने का सबब बनते हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इख्तिसास यह है कि वो जब कम बैक टू कुरान एंड कम बैक टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहे हैं तो आज से 50-60 बरस पहले ये ऐलान करना कि हमारा मसलक अहले सुन्नत है, आप सोचें ये कितनी बहादुरी की बात होगी। और एक तवील मुद्दत के गुजरने के बाद अब लोग इसका एतराफ कर रहे हैं। जिस बात को फोरसी किया डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी बालिग नजरी को दाद देनी चाहिए कि वो उम्मत मुस्लिमा को किस तरह कुरान मजीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जमा होने की दावत दे रहे हैं। फिर आप देखें डॉक्टर अंसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान ने हमें तीन चीज़ें अता की हैं, अ वेल नोन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ बिलीफ, अ फुली इंटेग्रेटेड फिलॉसफी एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर ऑफ प्रैक्टिस। ये तीन चीज़ें आपने बयान फरमाई। और काबिल ज़िक्र बात यह है
कि जब आप क़ुरान मजीद के इन उसूलों के पेश नज़र दुनिया के किसी भी खित्ते में मुस्लिम सोसाइटी की बुनियाद रखेंगे तो यकीनी तौर पर ये वो आफाकी उसूल होंगे जिनको मैं अगर अल्लामा इकबाल की ज़बान में बयान करना चाहूँ तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में इकबाल ने उनका पहला लेक्चर नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस और उनका सिक्स लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, जो फर्स्ट लेक्चर है वो इस्लामिक थियोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट करने के उसूल फराहम करता है और सिक्स लेक्चर इस्लामिक लेजिस्लेशन साइंस एंड इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस को इज्तिहाद की बुनियाद पर रिकंस्ट्रक्ट करने की दावत देता है। और डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल यह है कि वो इंस्पिरेशन जो आपने अल्लामा इकबाल से अख़ज़ की और इकबाल के खुतबात कभी अगर आप प्रियम्बल पढ़ के देखें तो इकबाल कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उस फिक्र का मरकज और मंबा अल्लाह की किताब हिदायत है। दुनिया में शोरा बहुत से गुजरे हैं लेकिन जो चीज इकबाल को दीगर फिलासफर्स और पोइट से मुनफरिद करती है वो कुरान का मुताला और इकबाल का इश्क रसूल है जिसने इकबाल को दीगर तमाम लोगों में एक टावरिंग पर्सनैलिटी की तरह कायम रखे हुए हैं। तो इकबाल बताते हैं कि कुरान ने हमें एटर्नल प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन बुनियादी उसूलों से इनहराफ किए बगैर अगर आप इज्तिहाद को एक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इकबाल कहते हैं कि दौरे जदीद का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि जिस अहद में तुम जिंदा हो इज्तिहाद के इंस्टीट्यूशन के जरिए इस्लामिक लॉ को हर दौर में काबिले अमल इस तौर पर बनाकर दिखाओ कि तुम अपने एटर्नल प्रिंसिपल से कभी इनहराफ ना कर सको। और इसीलिए मैं अपनी बात को ख़त्म की तरफ लाते हुए डॉक्टर साहब के द फ्यूचर रोल ऑफ इस्लाम, और ये सिर्फ फ्यूचर रोल ऑफ इस्लाम नहीं है बल्कि ये इन नए फारिग होने वाले स्टूडेंट्स का, ये ग्रेजुएट जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, ये अहले इल्म जो यहाँ सामने मस्जिद के सहन में हैं, द फ्यूचर रोल ऑफ इस्लाम ये सिर्फ इस्लाम का नहीं ये इन अहले इल्म का रोल होना चाहिए। फरमाते हैं कि द जनरल व्यू ऑफ मैनकाइंड कंसर्निंग रिलीजन इज दैट इट्स फंक्शन इज कन्फाइंड टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्वेशन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। मुझे डॉक्टर बुरहान के भी वो जुमले याद आ रहे हैं, वो फरमाते हैं कि मुसलमानों की जिल्लत रसवाई मस्कनत मोहताजी का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमने कुरान को सिर्फ मौत के बाद कामयाबी की किताब समझा हुआ है कि इस किताब से नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दुनिया में हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बस मरने के बाद जन्नत में हम चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया का रिलीजन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब कभी कोई रिलीजन आपसे बात करेगा तो वो आपके सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा, वो सिर्फ आपके उन इश्यूज को एड्रेस करेगा कि जो आपके मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, वो आपके इमीडिएट प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेगा। तो हर मजहब का शख्स ये तबलीग और दावत जब देता है तो वो कहता है कि जो हमारा मजहब है वो रिलीजन ऑफ सॉल्वेशन है, तुम्हें आखिरत में निजात मिल जाएगी। पूरी क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी इसी पर बेस करती है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी भी इसी पर बेस करती है, हिंदुइज्म और किसी भी आप मजहब को पढ़कर देखें वो उमूमी तौर पर रिलीजन ऑफ सॉल्वेशन है, वो सिर्फ आपको मरने के बाद निजात के जरिए के तौर पर आपको अपनी तालीमात फराहम करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि बट प्रेजेंट डे ह्यूमैनिटी has become increasingly interested in achieving salvation in the present world. जिस दौर में तुम जिंदा हो इस दौर के मसाइल हल कुरान से कैसे होंगे, इस मेथडोलॉजी की बुनियाद पर यह किताब के बकिया सफात लिखे गए कि इस मौजूदा जिंदगी में जब तुम अपनी जिंदगी की सांसें अंदर और बाहर गुजार रहे हो। फरमाते हैं कि हैंस रिलीजन हैज फॉलन इनटू डिसरिप्यूट एज समथिंग इनकैपेबल ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द अर्थली लाइफ, ने इवन एज अ डेफिनेट इम्पेडिमेंट टू ह्यूमन प्रोग्रेस।
और फिर डॉक्टर साहब का यकीन देखें, हजरत साहब का यकीन देखिए कि वो यकीन की दौलत जो आपको अपने मुर्शिद मुबल्लिग़ आज़म हज़रत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से जो आपको इंस्पिरेशन नसीब हुई, जो पैशन आपके दिल में मुंतकिल हुआ, जो तलब और हुज़न और एक गम आपको उम्मत का अपने मुर्शिद और शेख कामिल से नसीब हुआ, फरमाते हैं कि हे इस्लाम हैज़ अ यूनिक रोल टू प्ले बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली डायरेक्टली एंड वेहमेंटली कमिटेड टू द सल्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इन बोथ द वर्ल्ड्स इन प्रेजेंट वन एज वेल एज द नेक्स्ट। फरमाते हैं कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पैगाम के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत के साथ मुकम्मल हुआ, जो सिर्फ इस दुनिया के नहीं आखिरत में भी आपको निजात देने वाला है। फरमाते हैं, मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, फरमाते हैं कि ने इस्लाम्स रोल स्टैंड्स एट एन इवन हायर लेवल। इस्लाम का मकसद सिर्फ निजात तक महदूद नहीं है बल्कि आपको इस्लाम के फ्लैग बेरर की हैसियत से इस पैगाम को आगे लेकर जाना है। फरमाते हैं बिकॉज इट सब्स्टिट्यूट्स द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फुलफिलमेंट फॉर द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सल्वेशन। निजात का जो मनफी तसव्वुर हमारे जहनों में है, इस्लाम उसके साथ साथ एक ऐसा रिलीजन ऑफ फुलफिलमेंट है जो दुनिया और आखिरत में रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। फरमाते हैं एंड इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ फुलफिलमेंट कॉम्प्रिहेंड्स द हेल्दी एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअल एस्थेटिकल मोरल इंटेलेक्चुअल एंड फिज़िकल। और मैं अंसारी अलैहिर्रहमा के इन जुमलों पर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, फरमाते हैं कि ऑल इन ऑल इस्लाम स्टैंड्स इन हिस्ट्री एज एटर्नल गाइडेंस, द गाइडेंस फॉर यस्टरडे, द गाइडेंस फॉर टुडे एंड द गाइडेंस फॉर टुमारो। The present may be gloomy because of the wrongs committed by the Muslims themselves during the different epochs of their history, including the present, but the future belong to Islam and to Islam alone.